टीएमसी के नए सभापति चुने गए अशोक गोविंद राव डक, उप सभापति पद पर धनंजय वाडकर का चयन, निर्विरोध हुआ बाजार समिति का चुनाव। मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति एपीएमसी को नया सभापति मिल गया है। आज सोमवार को संपन्न हुए चुनाव में मराठवाड़ा के अशोक डक को सर्वसम्मति से एपीएमसी का नया चेयरमैन चुन लिया गया। एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे की उपस्थिति में पीठाधिकारी ने अशोक डक के निर्विरोध सभापति चुने जाने का ऐलान किया। वहीं पुणे मंडल के धनंजय वाडकर को उपसभापति चुना गया है। चुनाव के बाद संचालकों ने नव नियुक्त सभापतियों को पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया। निर्विरोध चुने जाने के बाद उपसभापति धनंजय वाडकर एवं चेयरमैन अशोक डक ने महाअघाड़ी के नेताओं के प्रति आभार जताया और किसानों एवं व्यापारियों के बीच पैदा हुई खाई को भरने का भरोसा दिलाते हुए एपीएमसी के उत्थान और समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्न करने का संकल्प भी दोहराया। जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में सत्ता में आई है, उसके बाद ये एपीएमसी मुंबई का ये पहला इलेक्शन है जो महाविकास आघाड़ी मिलकर लड़ी, और सब नेतागण आदरणीय पवार साहब हो गए, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, अजीतदादा पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, कांग्रेस आई के थोड़ा साहब, इन्होंने सब ने मिलकर एक अच्छी यंग टीम यहाँ एपीएमसी को खड़ी की, सब चुन कर आ गए। मगर कोरोना की महामारी में एक ऐसा संकट महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में आ गया है, उसके मुकाबला करते हुए एपीएमसी मुंबई अच्छा काम किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए कैसा करेंगे, इसको हम प्रथम इस पर काम करके, और यहाँ एपीएमसी में ऐसे जो काम रखड़े हुए हैं उनका भी हम सब एपीएमसी मेंबर सभागृह हमारा उसको जल्दी से जल्दी प्राधान्य देगा। फिर धन कचरा से बिजली का होगा, ऐसे अनेक सवाल है, हम सब उसका स्टडी करके जल्द से जल्द किसान और व्यापारी ये दोनों के बीच का दुआ बनकर किसान के लिए काम अच्छा करेंगे, व्यापारी के लिए काम अच्छा करेंगे और एपीएमसी का नाम उज्जवल करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना जो है इसका फिर सैनिटाइजर का ये होगा, मास्क का वापर होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग होगा, इसके बारे इसको सब इसका पालन करते हुए व्यापार कैसा बढ़ेगा, व्यापारियों को कैसी मदद की जाएंगी, इसके बारे में हम ज़्यादा काम करेंगे। मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति का जो सभापति उपसभापति की निवड़ हो रही, वो निवड़णुक के बारे में हम महाविकास आघाड़ी को प्राधान्य देते हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम बैठ के पूरे संचालक मंडल ने एक साथ बेनिरोध निवड़ सभापति उपसभापति की, इसलिए हम उनका आभार्य और फार्मर के लिए हम काम करने के लिए सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे। हमारा सीनियर जो नेतृत्व है उनका सलाह लेके बाजार समिति का अच्छा काम करेंगे। बता दें कि एपीएमसी बाजार समिति का यह चुनाव फरवरी से ही लंबित पड़ा था। संचालकों के चुनाव के बाद अमूमन सभापति चुनाव होना आवश्यक होता है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के कारण यह आगे बढ़ते रहा। फिलहाल एक बार फिर कृषि बाजार समिति पर राका सुप्रीमो शरद पवार ने एनसीपी का दबदबा कायम रखा है। वहीं भाजपा इस चुनाव में हाशिए पर रही और गणेश नाइक अपना करिश्मा दिखाने में नाकाम साबित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।